हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। गाइज, क्या आप जानना चाहते हैं 108 फीट अगरबत्ती अब कितना बचा हुआ है और ये अगरबत्ती कहां पर रखा हुआ है, कहां पर जलाया जा रहा है? जो आप यहां पर देख सकते हैं कितना जला हुआ है, सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि ये अगरबत्ती कहाँ पर रखी हुई है। अगर आप आना चाहें यहाँ पर अगरबत्ती के दर्शन करना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं अभी जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये है अयोध्या धाम का नया बस स्टॉप। जो आपने देखा, यहाँ पर बहुत सी बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिक बसें जो पूरी अयोध्या शहर में चल रही हैं और शहर के बाहर भी चल रही हैं कुछ रेंज तक। और यहीं पर ये अगरबत्ती, जो 108 फीट की अगरबत्ती है, गुजरात के बड़ोदरा से चलकर यहाँ तक आई थी काफ़ी दिन पहले। और 16 जनवरी को इस अगरबत्ती को जलाया गया था और अभी तक कितना जला, चलिए मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये तिरंगा झंडा, जो 26 जनवरी को मतलब अयोध्या में घुमाया गया था और यहाँ पर इसको अब लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं चक्र बना हुआ है और इसी तरह ये बहुत लंबा झंडा है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये तिरंगा झंडा यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्सी और मेज यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे। यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ चल रहा है निःशुल्क भंडारा। मतलब अगर खाना आपको खाना हो तो यहाँ पर भी आकर भंडारे में खाना खा सकते हैं, सुबह शाम यहाँ पर आपको व्यवस्थाएं मिल जाएगी। और इसी के थोड़ा से आगे अगरबत्ती भी जल रहा है जो रखा गया है। चलिए मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी तक अगरबत्ती कितना जल चुकी है और कितना स्पीड में जल रही है। कुछ लोगों का कमेंट था कि कहाँ तक, कितनी दूर तक अगरबत्ती की महक जा रही है, वो सब भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस अगरबत्ती की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और कितना बचा हुआ है जल, मतलब कितना जल चुका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इतना सा यहाँ पर बचा हुआ है, करीब अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो करीब करीब 15 से 18 फीट बचा हुआ है जलने के लिए, देख सकते हैं कुछ ऐसा। और ये लगातार ऐसे कुछ जल रहा है। यहाँ से लोग राख को उठाकर लेके जाते हैं, जो अगरबत्ती की राख होती है वो उठाकर अपने घर पर लेकर जाते हैं और कुछ इस तरह से ये जल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर आते रहते हैं अगरबत्ती के दर्शन करने के लिए, दर्शन करते हैं लोग, टच करते हैं, माथे पर लगाते हैं और जो सामने राख गिरती रहती है उसको लोग अपने घर उठाकर लेकर जाते हैं। विभूति के रूप में इसको लोग यूज करते हैं। यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब आते रहते हैं ऐसे ही। तो अगर आपको भी आना हो, लोकेशन हमने बता दिया, अयोध्या का नया बस स्टॉप और कितना बचा हुआ है वो आप उसी दिन आकर देख लेना, क्योंकि मतलब ये लगातार जल रहा है, जलते जलते थोड़ा थोड़ा ख़त्म भी हो रहा है। और यहीं पर वो जो भंडारा का कार्यक्रम हो रहा है यहीं पर हो रहा है। अगर आपको खाना खाना हो तो यहाँ पर आप निःशुल्क खाना भी खा सकते हैं। मेरे पीछे है नेशनल हाईवे NH 27, वहाँ से एंट्री होती है। और इधर के साइड में है अयोध्या धाम का नया बस स्टॉप, जिसका बोर्ड ऊपर वहाँ पर आप देख सकते हैं, बस स्टेशन अयोध्या धाम। और ये अगरबत्ती कुछ ऐसे यहाँ पर जल रही है। काफ़ी लोगों का कमेंट था, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि अगरबत्ती कितना जल चुकी है। जब पिछला ब्लॉग अगरबत्ती का बनाया था तो बहुत से लोगों का कमेंट था अगरबत्ती की महक कहाँ तक जा रही है। अगर मैं ऐसे फील करूँ तो इस अगरबत्ती की महक पूरी दुनिया में जा रही है। लेकिन अगर ऐसे फिजिकली बताऊं तो ये जो रेलवे ये जो बस स्टेशन है, इसके चारों तरफ कहीं पर भी खड़ी हो जाइए, हर जगह अगरबत्ती की महक आपको मिल जाएगी। वैसे अनुमानित बताया गया था कि 45 दिन तक अगरबत्ती जलती रहेगी और 45 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ऐसे बता दूँ कि कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि ये कितने दिन तक जलेगी, कितने स्पीड में जलेगी, वो स्पीड पर डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ ठंडी का मौसम है
और देख सकते हैं कुछ ऐसे यहाँ पर पॉलीथीन को लपेटा गया है जिससे इस पर ओस ना गिरी। जब ओस गिरने लगती है तो अगरबत्ती थोड़ा सा नम हो जाती है और कम जलने लगती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर खोला जा रहा है। और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो फैन भी चला लिया जाता है, फैन चलाकर थोड़ा सा और तेज़ से इसको जलाने की कोशिश किया जाता है जिससे अगरबत्ती बुझे ना। काफ़ी मोटी अगरबत्ती है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। अब रही 45 दिन की बात, तो 16 जनवरी को जलाया गया था और आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी के बाद कितना दिन और जलता है वो अब देखना होगा। अब मैं अगला जब ब्लॉग बनाऊंगा तो लास्ट में जो दिन बचेगा, जो लास्ट अगरबत्ती जलेगी उस दिन मैं बनाऊंगा, जिससे आपको बता सकूं कि मतलब ये टोटल कितने दिन जली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा माहौल अभी है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आइए, अगरबत्ती के दर्शन कीजिए। तो चलिए हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। और हाँ, अगर आप और भी ब्लॉग देखना चाहते हैं अयोध्या से रिलेटेड तो जाकर देख लीजिए।